हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव वर्मा आज आपका स्वागत करता हूँ। आज आप देख रहे हैं स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी के क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी फॉर आरआरबी एनटीपीसी पार्ट थ्री। और आज का पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग चार किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, और ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में आता है, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट हैं? पाँच तरह की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट लागू करता है अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग, और अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार के अधिकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मनोनीत किए जा सकने वाले एंग्लो इंडियन की अधिकतम संख्या कितनी है? दो संख्या है, और लोकसभा की वर्तमान सीटें 545 है और अधिकतम 552 है, और लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और मिनिमम एज लोकसभा जाने के लिए 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? कर्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंडर में आता है, और ये कर्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, मिनिमम एज 30 वर्ष की होती है, और सबसे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जिनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? जो ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी, यहाँ 26 जनवरी वो मिस्टेक हो गई, 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारंभ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब हमारा संविधान बना था तो बहुत सारी समितियाँ बनी थी, और जैसे कि संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाग 5 में, और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसके बारे में बताया गया है। और संघ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, जितने मंत्री थे सबके बारे में एक्सप्लेन किया गया है भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि कौन सी सूची का विषय है? कृषि राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और एक अन्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए, और अन्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो जाए। और भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, मीरा कुमार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है, और ये ग्रुप डी के एग्जाम 2018 में जो हुआ था इसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। और मीरा कुमार 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष भी है, और 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो वर्तमान में ओम बिड़ला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधेयक को केवल लोकसभा में पारित किया जाता है? धन विधेयक। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई हो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को, और राज्यसभा गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। ये कंफ्यूज करेगा तो एक बार बताता हूँ, और राज्यसभा गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ, और राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 अप्रैल और 13 मई 1952 को हुई। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। 11 मॉरल ड्यूटीज है जो संविधान के भाग 4 के काम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। जैसा हमारे राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है, ठीक उसी तरह विधान परिषद उच्च सदन होता है और निम्न सदन होता है विधानमंडल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 280 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार में अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। जब संविधान बनाया जा रहा था तो 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन ये कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, जैसे कि हमारा संविधान कब अंगीकृत किया या हमारा संविधान कब अपनाया गया, वो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, हमारा संविधान पारित किया गया या हमारा संविधान अपनाया गया था, वो 26 नवंबर 1949 को। ओके, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमारे ब्लॉग पर आकर PDF भी पा सकते हैं, और टेलीग्राम पे हमने ग्रुप बनाया, आप वहाँ से भी अपनी हमारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।